हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल का है। टॉपिक का नाम है भैया डेटा विजुअलाइजेशन। क्या होता है इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन, चलो तोड़ दो इस शब्द को दो पार्ट्स में, एक डेटा हो गया, एक विजुअलाइजेशन हो गया। डेटा को आप कह लो इन्फॉर्मेशन, बराबर है, एक इन्फॉर्मेशन। और ये डेटा विजुअलाइजेशन आपका एक कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को आप इन्फॉर्मेशन इनपुट देते हो। क्या कहा मैंने, क्या कहा? डेटा विजुअलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप इन्फॉर्मेशन एज अ इनपुट देते हो। तो भैया जब कुछ इनपुट दिया तो आउटपुट तो निकलना चाहिए ना। तो आउटपुट क्या निकलता है? विजुअलाइज्ड फॉर्मेट ऑफ डेटा। आउटपुट क्या निकलता है? विजुअलाइज्ड फॉर्मेट ऑफ डेटा, एंड दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाटएवर द इन्फॉर्मेशन, व्हाटएवर द डेटा यू आर गिविंग एज अ इनपुट टू डेटा विजुअलाइजेशन, यू विल गेट अ पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा एज अ आउटपुट। तो पहली बात तो अभी आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि भैया इसकी जरूरत क्या है, मैं ये वीडियो देख क्या रहा हूं, व्हाट इज द नीड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डेटा विजुअलाइजेशन। तो यहां पे आप उसकी नीड्स कह लो, ऑब्जेक्टिव कह लो, एम गोल जो भी कह लो, यहां पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद डेटा विजुअलाइजेशन मेंशन किए हैं। ये जो पहले दो पॉइंट है एक दूसरे से कोरिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सी, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आने ही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड करने में डेटा विजुअलाइजेशन मदद करता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने में क्या, आपके डेटा को, आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, बराबर है ना। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया है तो जब तक आप उस प्रॉब्लम को समझ नहीं लेते कि भैया प्रॉब्लम है क्या, तब तक आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे। तो उस प्रॉब्लम को समझने में आपकी डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत हेल्प करता है, और फिर जाके आप कहीं उसके ऊपर सोच सकते हो कि हाँ भैया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। और एक बार चलो प्रॉब्लम आ गया तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव डिसीजंस बनाने होते हैं आपको, कि अगर ये एक प्रॉब्लम है तो देयर आर सेवरल डिसीजंस दैट आई हैव टू मेक। ये अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो मैं ये डिसीजन लूंगा, ये प्रॉब्लम आया तो वो डिसीजन लूंगा। लेकिन उन सेवरल अल्टरनेटिव ऑफ डिसीजंस में से बेस्ट डिसीजन कौन सा होगा, वो आपको डेटा विजुअलाइजेशन देता है। मतलब जब भी आपके सामने जो डेटा है उसको मैं स्मॉल स्केल में जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उस डेटा को, तो आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को अंडरस्टैंड करके, उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करके, उस प्रॉब्लम को समझ के आप ऐसा एक पर्टिकुलर बेस्ट डिसीजन ले सकते हो जो कि आपको उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ लेके जाए। क्या? उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ ले जाने वाला बेस्ट डिसीजन आपने लेना है बेस्ड ऑन डेटा विजुअलाइजेशन इज एक्चुअली इन डेटा डिसीजन मेकिंग। ये फिर डिसीजन मेकिंग में आता है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर नीड है आपके डेटा विजुअलाइजेशन की। अंडरस्टैंडिंग द डेटा क्लियरली, ऑब्वियसली जैसे मैंने प्रॉब्लम का बताया कि जब तक प्रॉब्लम क्या है वो समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंड नहीं होगा, तब तक आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। उसी तरीके से जब आपका इतना बड़ा डेटा होता है, ह्यूज डेटा, बहुत ही बड़ा डेटा है, बराबर है कि नहीं, जैसे बिग डेटा समझ लो, तो बिग डेटा का भी विजुअलाइजेशन होता है। तो उस बिग डेटा का जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, सो दिस ह्यूज डेटा इज एक्चुअली स्केल्ड डाउन, उसको बहुत ही स्केल डाउन किया जाता है एक फोटो में, एक पिक्टोरियल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में, तो वो आसान हो जाता है, उस डेटा को समझना बड़ा ही आसान हो जाता है। सो इट मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड अ ह्यूज डेटा आल्सो। देन टू फाइंड द रिलेशनशिप अमंग डेटा। सी, कई कई बार आपके डेटा में ऐसे डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब एक डेटा का एक एलिमेंट समझ लो, जो मुझे से मैं डेटा ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, तो वो जो डेटा ऑब्जेक्ट है वो ऐसा हो सकता है कि दूसरे डेटा ऑब्जेक्ट से किसी रिलेशन में हो, किसी रिलेशन में हो, मतलब एक डेटा ऑब्जेक्ट दूसरे डेटा ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएशन में हो सकता है, एक डेटा ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ कोरिलेट हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है, एक डेटा ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो सकता है। तो ऐसी कई सारी रिलेशनशिप्स एक डेटा ऑब्जेक्ट दूसरे डेटा ऑब्जेक्ट के साथ इन अ गिवन डेटा शेयर कर सकता है, ऐसी कई सारी रिलेशनशिप्स वो शेयर कर सकता है। तो उन रिलेशनशिप्स को फाइंड करना, एक्सप्लोर करना उन रिलेशनशिप्स को ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट्स इन डेटा इज एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। और आखिर में देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। ये तो आपने कई बार देखा होगा हिस्टोग्राम, ओके, ये तो देखा ही होगा, बराबर है कि नहीं। सो अगर ये कह लो एक एग्जांपल है, ये 2017 के रिजल्ट्स हैं, ये 2018 के रिजल्ट्स हैं, तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस हमें क्या बताता है कि मैं 2017 और 2018 के रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहा हूं। और ऑब्वियसली कंपैरेटिव रिजल्ट से हम अपने कंक्लूजन पे बहुत अच्छी तरह पहुंच सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि 2018 के जो रिजल्ट्स हैं ऑब्वियसली दे आर फार मोर बेटर देन 2017 के रिजल्ट्स। क्यों? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फैकल्टीज अच्छी हैं, या फिर क्या क्या बोलते हैं, पढ़ाई अच्छी की होगी, पेपर आसान आया होगा। सो बहुत सारे कंक्लूजन्स तक हम पहुंच सकते हैं जब हमें कुछ चीजों के बीच में कंपैरिजन दिया होता है। व्हेन वी कंपेयर द थिंग्स वी कम आउट विद अ कंक्लूजन व्हिच इज अ बेस्ट कंक्लूजन। तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस
हम लोगों को प्रोवाइड करता है डेटा विजुअलाइजेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट वर द गोल्स, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट वर द नीड ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन एंड इन बेसिक व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके काम आया होगा, आपको पसंद आया होगा, तो वो तीन मैजिकल चीजें जो सिर्फ आप कर सकते हो करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।